हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए पिता का धन्यवाद करते हैं, जो यीशु मसीह ने सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, जूतों के बीच में सुरक्षित रखा है। इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद देंगे। ठीक है मेरे प्रियजनों, मेरे पिता का धन्यवाद करते हैं जो मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह महान है, दयालु है, जो हम सभी को सुबह दिखाता है, रात दिखाता है, संभाल के रखता है, हमारी जरूरतों को यीशु मसीह जानता है। मेरे प्रियजनों, हम यदि किसी बात को लेकर टूट चुके हैं, यदि निराशा में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में चले गए हैं, तो हमें किसी मनुष्य से नहीं बताना है। मनुष्य आपको कुछ नहीं दे सकता है, मनुष्य तो आपसे पाप करवाएगा। ठीक है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में, यीशु मसीह में है मेरे प्रियजन। ठीक है, हमें यीशु मसीह से बताना है। यीशु मसीह हमारे दुखों को जानता है, हमारे यीशु को पोष डालेगा परमेश्वर, आपकी गरीबी को दूर करेगा परमेश्वर। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएँ हैं मेरे प्रियजन। यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, यदि आपके जीवन में शैतानी गंदी बद्रोही चाले हैं, यीशु मसीह के नाम से बद्रोही गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी आपके जीवन से। ठीक है मेरे प्रियजनों, बस हम सभी को विश्वास करना है, यीशु मसीह से बताना है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती थरथराती को उससे दूर भागती है मेरे प्रियजनों। ठीक है, यीशु मसीह हमारा महान है, दयालु है, करुणा निधि है, राजाओं का राजा है। ठीक है, उसी ही के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है। ठीक है, और वो जीवन यीशु मसीह में है। ठीक है, यीशु मसीह पर ही विश्वास करके हम सभी जन स्वर्ग तक जा सकते हैं, स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कि हम सभी से यदि पाप गलती गुना हुए हैं, तो यीशु मसीह से बताएंगे, यीशु मसीह के सामने मानेंगे, पश्चाताप करेंगे, छोड़ेंगे उन्हें। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह जहाँ पे रहते हैं वहाँ जगह पवित्र है मेरे प्रियजनों, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। ठीक है, यदि हमसे कोई पाप गलती गुना होता भी है, तो हमको यीशु मसीह से बताना है। ठीक है, हमें जानबूझ के पाप नहीं करना है। यीशु मसीह का वचन कहता है, जो सच्चाई को पहचान को सच्चाई को जानने के बाद जो कोई जानबूझ के पाप करता है, तो उसके लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। ठीक है, तो हम सभी को जानबूझ के पाप नहीं करना है। प्रार्थना शुरू करने से पहले हम कुछ वचन से देखते हैं। ठीक है, यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय के 10 वचन में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा मेरे प्रियजनों। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी सहायता करे, मदद करे मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ मेरे प्रियजनों। हम सभी को अपनी बीमारियों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हालातों को लेकर डरना नहीं है। ठीक है, हमें डरना नहीं, यीशु मसीह हमारे संग रहता है। यीशु मसीह ने कहा है, जिस मार्ग पर तुमको चलना होगा उसी मार्ग पर मैं तुम्हें हाथ पकड़ कर चलाऊंगा। ठीक है मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह अपने दाहिने हाथ से हम सभी को चलाने वाला परमेश्वर है। ठीक है, यीशु मसीह महान है। यीशु मसीह हम सभी के मांगने से पहले जनता कि हम सभी को क्या चाहिए, क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है, प्राणों को सुनेंगे आँख बंद करके। ठीक है, तो चलिए प्राणों को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि हैं, आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के युवा मेरे पिता। मेरे प्रभु जो आपने मेरे पिता हम सभी से इतना प्रेम किया, पिता जो आपने सभी को प्रभु जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया। प्रभु कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे पिता, जो मर गएंगे पिता, जो अपने घर परिवार वालों से पिता बिछड़ गए होंगे पिता, जो आपको नहीं जानते होंगे, सच्चाई को नहीं जानते होंगे पिता, वे नरक में चले गए होंगे जहाँ का धुआं युगानुग उठता रहता है प्रभु। मेरे पिता जो आपने हम सभी का उद्धार कर दिया, छुटकारा कर दिया प्रभु, जो आपने हम सभी को संसार से चुना है यीशु राजा, इस संसार से चुन के अलग किया, ज्योति में किया, अंधकार को हटा दिया पिता परमेश्वर प्रभु, जो आपने हम सभी को इस भीड़ में से, लाखों संख्या में से, संसार में से, दुनिया में से प्रभु हम सभी को चुना है पिता, संसार से चुना है, अलग कर दिया प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 राजाओं के राजा हैं आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा, आप सृष्टिकर्ता मालिक के मेरे पिता। मेरे प्रभु आप अपने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दिया, कोड़िए पाजों को शुद्ध किया पिता, यहोवा जुलाओ रे मेरे पिता, आपने महान आश्चर्य काम किए मेरे पिता परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पूरे विश्वास के साथ प्रभु, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, पूरे विश्वास के साथ पिता, घुटने टेक के बैठे पिता, जो आपसे कुछ मांग रहे पिता, जो भी इनकी इच्छाएँ जरूरतें हैं मेरे प्रभु आप जानते प्रभु पिता, जो भी इन्हें चाहिए प्रभु आपने दीजिए पिता। मेरे प्रभु जो मसीह भवन बीमार है पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है पिता, जो कैंसर में है, गिल्टियों में, बुखार में है, नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त है पिता, जो तमाम इलाज दवाई करा चुके प्रभु, वे नहीं ठीक हो रहे मेरे स्वामी, नहीं चंगे हो पा रहे मेरे पिता यीशु पिता। आपके दास होने के नाते पिता इनके जीवन में यीशु मसीह हम आदेश देते पिता, आपके नाम से जो इस वक्त इस प्राणों को सुन रहे पिता, हर एक मसीह भवन चंगे हो जाए
हील हो जाएं, फ्री हो जाएं। हालेलुया। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम से। पिता आप इन्हें छुए, पिता आप अपना स्वर्ग से दाहिना हाथ बढ़ा के पिता हर एक जनों को छुए मेरे पिता, जो इस वक्त प्रेयर लाइन में जुड़े हैं विश्वास के साथ उस प्राणों को सुन रहे पिता, इनकी बीमारियों को दूर करे पिता। चंगा करने वाले परमेश्वर पिता, आपने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाले परमेश्वर पिता, आपने कहा है मैं तुझे महामारी से और पहलू के जाल से बचाऊंगा मेरे पिता, आपने कहा प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु, आप सेनाओं के यहोवा, सृष्टिकर्ता मालिक मेरे पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, जो भी हम सभी मसीह भाई बहनों से पिता पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे स्वामी, आप माफ करें, क्षमा करें मेरे पिता, कि प्रभु मानव जाति पिता हम मनुष्य निर्बल कमजोर हैं, पाप में गिर सकते हैं, गुनाहों में गिर सकते हैं, बिखर सकते हैं प्रभु, आप माफ करें, क्षमा करें पिता, क्योंकि मेरे प्रभु आप ही के पास ये अधिकार है प्रभु कि आप ही हम सभी के पापों को क्षमा कर सकते हैं पिता। आप अपने लहू से शुद्ध करें पिता, आपका लहू बहुत ही कीमती मेरे स्वामी, आपने अपना लहू बाकी मेरे स्वामी सभी को मोल खरीद लिया पिता। पापों का बोझ, गुनाहों का बोझ, इन सारे मानव जाति के पापों का बोझ प्रभु आप अपने ऊपर ले ली, कलवरी क्रूस पर चढ़ गए, बलिदान हो गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे पिता, आप जीवित परमेश्वर प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु आप बर्फ के समान हम सभी के पापों को श्वेत करें पिता, मेरे प्रभु हम सभी से पाप होते हैं पिता, गलतियाँ होती हैं पिता, आप क्षमा करें पिता। आपका वचन कहता है जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा मेरे प्रभु, आपने कहा मेरे पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु विश्वास के साथ पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुनने घुटने टेक के बैठे प्रभु मेरे पिता, जो गरीब है प्रभु, जो लाचार है पिता, जो कमाने लिए नहीं है मेरे पिता, पिता उनके हाथ आप कमाने लिए बनाइए मेरे स्वामी पिता, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे प्रभु आपके पीछे हैं मेरे पिता, इन्हें पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि पिता आप इन्हें देंगे पिता, इनकी समस्याओं को, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करेंगे प्रभु मेरे पिता, जो भी समस्या जरूरतें इनको दीजिए पिता मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, आशीष के दरवाजे मेरे पिता। यीशु पिता आपके नाम से मांगते हैं, ढूंढते हैं पिता, इन तमाम मसीह भाई बहनों के जीवन में यीशु पिता, यीशु पापा पिता की गरीबी को दूर करे पिता, तंगी परेशानी दूर होने पाए, गरीबी दूर होने पाए पिता, बहुत ही जातियों को उद्धार देने बनने पाए पिता, इनके जीवन में यीशु मसीह आपके नाम से इनके जीवन में यीशु मसीह बदलाव मांगते हुए आजादी आने पाए प्रभु मेरे पिता। जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, जो जिन घरों में लड़ाई झगड़ा व्याप्त है पिता परमेश्वर पिता, जो गंदी बद्रोही आत्माएं हैं पिता, दुष्ट आत्माएं कार्य करते हैं, इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से पिता वो बद्रोही गंदी आत्माएं निकले इनके जीवन से, यीशु के नाम से वे निकल जाए, यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्मा इनके जीवन से, इनके लाइफ से निकल जाए पिता, इनके बिजनेस से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। जिस काम में हाथ लगाते हो काम सो 100% फलवंत होने पाए, वो काम फलवंत होने पाए, वो काम फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगी वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते, यीशु पिता आपके नाम से पुकारते, यीशु मसीह पिता इनका काम 100% फलवंत होने पाए पिता मेरे प्रभु मेरे पिता। प्रार्थना करते पिता, जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होती है प्रभु मसीह भाई बहनों के जीवन में यीशु मसीह के नाम से आदेश देते पिता, इनके जीवन में जो गंदी बदरूही दुष्ट आत्मा कार्य करती है पिता, आपके नाम से गंदी दुष्ट आत्माएं निकले इनके जीवन से, लड़ा झगड़ा बंद हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपते थरथराती को सुदूर भक्ति प्रभु, उनकी औकात नहीं पिता आपके सामने खड़े रहने की, टिके रहने की प्रभु मेरे पिता। आप हर एक जनों को छुए मेरे पिता, मेरे प्रभु जितने लोग आपकी हुजूरी में आपकी उपस्थिति में बैठे घुटने टेके हाथ फैलाए हुए बैठे प्रभु, जो आपसे कुछ मांग रहे पिता आपने दीजिए पिता, पुत्र पवित्र आत्मा जी हर एक जनों को छू लीजिए, ब्लेस कर दीजिए, ब्लेस हो जाए। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते जो मसीह भवन रात में नहीं सो पाते, जिन्हें डर लगता, भय लगता, गंदे सपने ख्याल विचार आते प्रभु, जब भी लेटे मेरे पिता तब सुख की नींद आने पाए पिता, कोई बद्रोही, कोई दुष्ट आत्मा, कोई गंदी आत्मा इनके जीवन में कार्य न करने पाए, हस्तक्षेप न करने पाए मेरे प्रभु मेरे पिता। आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तेरे सुख की नींद आएगी, अचानक आने भय से न डरना मेरे प्रभु। इस वचन के द्वारा पिता हर एक जन के जीवन में फलवंत होने पाए पिता मेरे प्रभु यीशु पापा, मुझे आशा विश्वास है प्रभु आपने प्राणों को सुना पिता, छोटे से विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और कबूल करेगा, आमीन।